अस्सलाम वालेकुम। सेवन्थ क्लास लास्ट लेक्चर में हमने 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। फाइंड द स्क्वेयर्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब बटे में, पी बाय क्यू की फॉर्म में है क्वेश्चंस। उनको क्या करना है, हमने उसके स्क्वेयर्स फाइंड करने हैं, ऑफ प्रॉपर इन प्रॉपर फ्रैक्शंस के स्क्वेयर्स फाइंड करने हैं। आल्सो कंपेयर दैम विद इट सेल्फ, और जो आंसर आएगा उसको क्वेश्चन के साथ कंपेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/4, हम उसे सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले 3/4 स्क्वेयर, फाइंड द स्क्वेयर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आल्सो कंपेयर फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4, इसका स्क्वेयर ले लेना है। सॉल्यूशन 3/4 होल स्क्वेयर कैसे लिखेंगे, 3 मतलब 2 टाइम्स और 4 भी 2 टाइम्स, मल्टीप्लिकेशन होगी। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, पहले इस स्टेप में हमने इसे ऐसे लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर क्या आ गया, 3 3 9, 4 4 16, 9/16। नेक्स्ट स्टेप उन्होंने हमें क्या बोला है कि आल्सो कंपेयर देम विद इट सेल्फ, कि इसको जो आंसर आएगा उसको इट सेल्फ मतलब क्वेश्चन के साथ ही कंपेयर करना है। कैसे करेंगे, नाउ बाय कंपेयरिंग 3/4, 3/4 विद इट्स स्क्वेयर, जो आंसर आया इट्स स्क्वेयर, क्या क्या स्क्वेयर आया हमारे पास, आंसर क्या है 9/16। अब कंपेयर कैसे करेंगे, 3/4 इज इक्वल्स टू 9/16। कंपेयर करना हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं दोनों वैल्यूज को रख के। 3 मल्टीप्लाई बाय 16 क्या होगा, 16 3 ज़ार 48, 9 4 ज़ार 36। अब इनमें से बड़ा कौन सा है, 48 हमारे पास ग्रेटर है, तो क्या साइन लगा देंगे, 48 इज़ ग्रेटर देन 36। 48, अब दोबारा से वही वैल्यू लिख देंगे, 3/4 इज़ ग्रेटर देन 9/16। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5/6। सबसे पहले क्या करना है, स्क्वेयर ले लेना, 5/6 होल स्क्वेयर, 5/6 स्क्वेयर है, 2 टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है 5/6। ऊपर वाली ने ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाना है, 5 ने 5 से और 6 ने 6 के साथ, 5 5 ज़ार 25, 6 6 ज़ार 36। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसे क्या करना है, कंपेयर करना है इट सेल्फ मतलब क्वेश्चन के साथ इसको कंपेयर करना है। नाउ बाय कंपेयरिंग 5/6, पहले क्वेश्चन लिखेंगे विद इट्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर किसके साथ करना है, 5/6 का स्क्वेयर क्या है, 25/36। 5/6 को पहले लिखेंगे इक्वल लगा के 25/36, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 को 36 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, 25 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150। अब दोनों में से कौन सा बड़ा है, 180 ग्रेटर है 150 से, तो कौन सा साइन लगा देंगे ग्रेटर का, देन ऐसे लिखेंगे 5/6 इज ग्रेटर देन 25/36।
बस ये हमारा आंसर है, और ये हमारा कंपेयर किया हुआ जो इट्स सेल्फ के साथ इसको कंपेयर किया है उसका आंसर है 5/6 इज ग्रेटर देन 25/36। 3/4, 3/4 विद इट्स स्केयर, जो आंसर आया इट्स स्केयर, क्या क्या स्केयर आया हमारे पास, आंसर क्या है 9/16। अब कंपेयर कैसे करेंगे, 3/4 इज इक्वल्स टू 9/16। कंपेयर करना हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों वैल्यूज़ को रख के। 3 × 16 क्या होगा, 16 × 3 = 48, 9 × 4 = 36। अब इनमें से बड़ा कौन सा है, 48 हमारे पास ग्रेटर है तो क्या साइन लगा देंगे, 48 इज़ ग्रेटर देन 36। 48, अब दोबारा से वही वैल्यू लिख देंगे, 3/4 इज़ ग्रेटर देन 9/16। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5/6। सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है, 5/6 होल स्क्वायर, 5/6 स्क्वायर है, 2 times लिखना है, 2 times मल्टीप्लीकेशन हो रही है, 5/6। ऊपर वाली ने ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाना है, 5 ने 5 से और 6 ने 6 के साथ, 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसे क्या करना है, कंपेयर करना है इट सेल्फ, मतलब क्वेश्चन के साथ इसको कंपेयर करना है। नाउ बाय कंपेयरिंग 5/6, पहले क्वेश्चन लिखेंगे विद इट्स स्केयर, इसका स्केयर किसके साथ करना है, 5/6 का स्केयर क्या है, 25/36। 5/6 को पहले लिखेंगे इक्वल लगा के 25/36, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 को 36 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, 25 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150। अब दोनों में से कौन सा बड़ा है, 180 ग्रेटर है 150 से, तो कौन सा साइन लगा देंगे, ग्रेटर का, देन ऐसे लिखेंगे 5/6 इज ग्रेटर देन 25/36। बस ये हमारा आंसर है, और ये हमारा कंपेयर किया हुआ जो इट सेल्फ के साथ इसको कंपेयर किया है उसका आंसर है, 5/6 इज ग्रेटर देन 25/30। अब इसके जो बाकी के 2 parts हैं वो आपने कर लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के सेम ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्क्वेयर्स ऑफ डेसिमल्स एंड कंपेयर विद इट देम विद इट सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.4 डेसिमल में है, डेसिमल का मतलब पॉइंट, पॉइंट्स में है ये क्वेश्चन, इसको इसका हमने क्या करना है, स्क्वेयर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं 0.4, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0.4 का होल स्क्वेयर, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, इसको कैसे लिखेंगे, पॉइंट की जगह पे 1 और नेक्स्ट वाली वैल्यू के नीचे 0, पॉइंट साथ नहीं लगाना, तो क्या आ जाएगा, 4/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10, डेसिमल हमने ख़त्म कर दिया। फोर बाई टेन, अब क्या करना है, 4 × 4, ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई और नीचे 10 के साथ हो जाए, आंसर क्या आ जाएगा, 4 × 4 = 16 और 10 × 10 = 100, 16/100। इसकी हमने डिवीजन कर लेनी है, रफ वर्क में इसकी डिवीजन करेंगे, 16 / 100, 16 को अंदर रखना है, 1600 से छोटा है, क्या ऊपर लगेगा पॉइंट और इधर जीरो लग जाएगा।
अब 100 वन ज़ार 100, 60 नीचे आ गया, 60 100 से छोटा है, यहाँ 0 लगेगा और नीचे उतार लेंगे, तो 100 6 ज़ार 600। पॉइंट से पहले हम 0 लगा लेते होते हैं, आंसर क्या आ गया 0.16। अब इसे कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग 0.4 विद इट्स स्क्वायर 0.16, मतलब 0.4 और 0.16। ये अब हमारे पास दोनों डेसिमल में है, ओवर में नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। इसको ऐसे ही बता देंगे कि हम कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है, तो कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है, 0.4 इज ग्रेटर देन 0.16, या फिर आप लिख लें 0.16 इज लेस देन 0.4। दोनों तरह लिख सकते हैं कि ये जो है छोटा है 0.4 से, या ये जो है 0.16 से बड़ा है, दोनों सेम बात है, जो भी लिखेंगे वो सही होगा। कैसे हमें पता लगा कि ये बड़ा है, ये 0.161 है तो ये लेस, 16 है तो ये छोटा है, पॉइंट में 0 से पीछे की तरफ आंसर्स लेस होने लग जाते हैं, 0.16 इज लेस देन टू 0.4। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 0.6, नेक्स्ट पार्ट है 0.6। स्केयर लेंगे 0.6 का होल स्केयर, उसके बाद 2 टाइम्स लिखेंगे, 0.6 का स्केयर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, डेसिमल को ख़त्म किया तो 6/10 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 6/10 आ गया। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, 6 × 6 एंड 10 × 10, 6 × 6 = 36 एंड 10 × 10 = 100। अब इसकी डिवीजन करेंगे, 36 को अंदर रखा, 100 पे डिवाइड किया, छोटा है तो पॉइंट लगा के 0 लगाया, 100 3 ज़ार 300, 0 लगा के 100 6 ज़ार 600। क्या आंसर आ गया हमारे पास, पॉइंट से पहले 0 हम वैसे ही लगाते हैं, 0.36। अब कंपेयर कैसे करना है, बाय कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग 0.6 बाय 8 स्क्वायर। ये क्या है, ये 0.6 का स्क्वायर है जो हमने लिया है, 0.36 इज क्या है, 0.36 0.6। जीरो से पीछे की तरफ जब पॉइंट्स में वैल्यू जाती हैं तो वो क्या होती जाती हैं, छोटी, जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो छोटी होगी, जितनी छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, 0.36 इज लेस देन टू 0.6, या फिर 0.6 इज ग्रेटर देन टू 0.36। दोनों में से जिस तरह भी लिखेंगे आंसर सही होगा, दोनों का एक ही मतलब है कि 0.36 छोटा है 0.6 से और 0.6 बड़ा है 0.36 से। बस इतना ही आज का काम था। नेक्स्ट आपने ये जो से 2 पार्ट्स इसके और 2 पार्ट्स इसके, ये आपने अपने होमवर्क में कर लेने हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.1, इट्स स्क्वायर 0.16, मतलब 0.4 और 0.16। ये अब हमारे पास दोनों डेसिमल में है, ओवर में नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। इसको ऐसे ही बता देंगे कि हम कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है, तो कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है, 0.4 इज ग्रेटर देन 0.16, या फिर आप लिख लें 0.16 इज लेस देन 0.4।
4 दोनों तरह लिख सकते हैं कि ये जो है छोटा है 0.4 से या ये जो है 0.16 से बड़ा है, दोनों सेम बात है, जो भी लिखेंगे वो सही होगा। कैसे हमें पता लगा कि ये बड़ा है? ये 0.161 है तो ये लेस 1/16 है तो ये छोटा है, पॉइंट में जीरो से पीछे की तरफ आंसर्स लेस होने लग जाते हैं, 0.16 इज लेस देन टू 0.4। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? 0.6, नेक्स्ट पार्ट है 0.6। स्केयर लेंगे 0.6 का होल स्केयर, उसके बाद 2 टाइम्स लिखेंगे, 0.6 का स्केयर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। डेसिमल को ख़त्म किया तो 6/10 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 6/10 आ गया। सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, 6 × 6 एंड 10 × 10। 6 × 6 = 36 एंड 10 × 10 = 100। अब इसकी डिवीजन करेंगे, 36 को अंदर रखा, 100 पे डिवाइड किया, छोटा है तो पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाया, 100 × 3 = 300, ज़ीरो लगा के 106 × 600। क्या आंसर आ गया हमारे पास? पॉइंट्स पहले ज़ीरो हम वैसे ही लगाते हैं, 0.36। अब कंपेयर कैसे करना है? बाय कंपेयरिंग जीरो पॉइंट सिक्स बाय इट्स स्केयर। ये क्या है? ये 0.6 का स्केयर है जो हमने लिया है, 0.36। 0.36 इज क्या है? 0.36 0.36 जीरो से पीछे की तरफ जब पॉइंट्स में वैल्यू जाती हैं तो वो क्या होती जाती हैं? छोटी, जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो छोटी होगी, जितनी छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। 0.36 इज़ लेस देन टू 0.6 या फिर 0.6 इज़ ग्रेटर देन टू 0.36, दोनों में से जिस तरह भी लिखेंगे आंसर सही होगा। दोनों का एक ही मतलब है कि 0.36 छोटा है 0.6 से और 0.6 बड़ा है 0.36 से। बस इतना ही आज का काम था। नेक्स्ट आपने ये दोनों से 2 पार्ट्स इसके और 2 पार्ट्स इसके, ये आपने अपने होमवर्क में कर लेने हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.1।